हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज वीकली करंट अफेयर्स का ये सेकेंड पार्ट है और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी जल्द ही आएगा और फर्स्ट पार्ट पहले भी आ चुका है, आई बटन दबा के आप देख सकते हैं। इसको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज भी आती हैं तो आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये विदाउट जीएस और मैप रिवीजन करंट अफेयर्स है, सिर्फ इसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर होते हैं। चूंकि ये रिवीजन सीरीज होती है इसलिए इसमें जीएस फैक्ट्स और मैप नहीं रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव के लिए किसे व्यय विशेष व्यय पर्यवेक्षक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर फॉर बिहार इलेक्शन। तो ये हैं मधु महाजन और बी आर बालाकृष्णन। करप्शन को रोकने के लिए इन दोनों की नियुक्ति हुई है, मधु महाजन और बी आर बालाकृष्णन। अगला देखते हैं, किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? खड़गपुर ने। रिलायंस लाइफ साइंस ने कोविड-19 टेस्ट का कितने घंटे में रिजल्ट वाला किट तैयार किया है। तो ये किट 2 घंटे में रिजल्ट देगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में। किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण को रोकने के लिए कैंपेन लॉन्च किया है? तो जाहिर सी बात है प्रदूषण सबसे ज़्यादा हावी कहाँ है? दिल्ली। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने से वो जल्दी याद होते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो हार्वे जे अल्टर, माइक ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइट। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड ट्रिक के साथ मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दूंगा, आई बटन पे भी आप दबा के देख सकते हैं। द हार्वे जे अल्टर, माइक ह्यूस्टन, चार्ल्स एम राइट, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की वजह से इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण, तो स्मार्ट प्रणाली जो है सिस्टम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा में चलने वाला कौन सा एयरपोर्ट बना है? विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम 100% सोलर ड्रिवन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये है पुदुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है। दो चीज़ें इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है, पहला एयरपोर्ट जो वर्ल्ड का है 100% सोलर इफिशियंट वो है कोची, लेकिन ये AAI का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगला है, किस राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन लॉन्च किया है, डिजिटली ग्राम दर्शन लॉन्च इन हरियाणा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम क्या है? तो यह है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा। अगला है, लिमोआ भारत और किस देश के सशस्त्र सेनाओं के बीच एक सैन्य समझौता है? तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें 3-4 एग्रीमेंट है, पहला है जी सोमिया, आपको ये याद भी होगा जिन लोगों ने करंट अफेयर्स देखा होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा या इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार होंगे। अगला है लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, ठीक है, ये भी अमेरिका के साइन हुआ है, जीसोमिया भी साइन हुआ है। नेक्स्ट इसका जो है बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो भी साइन हो चुका है अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो ये तीनों जो है ये इंडिया अमेरिका के, तीनों याद रखना है, जीसोमिया, लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एग्रीमेंट भी अमेरिका के साथ, और बेसिक एक्सचेंज ऑपरेशनल, ये भी अब साइन हो चुका है अब इंडिया और अमेरिका के बीच में। अगला है, T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो T20 क्रिकेट में 9000 रन बना दिया है किसने? विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन आप देख ही चुके होंगे, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, WHO द्वारा 2020-30 को कौन सा एक डेकेड का नाम दिया गया है? तो इसका नाम है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा को, प्लीज याद रखिए VVI क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन VVI होंगे, जो मैं बताऊंगा उसे प्लीज़ 3-4 बार अभी ही दोहरा लीजिए जिससे वो याद हो जाएगा। काइंडली मग अप ऑल द फैक्ट्स ड्यूरिंग द वीडियो, इससे आपको याद हो जाएगा।
केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला फर्स्ट मेगा फूड पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो यह है पलक्कड़। ठीक है, पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य, तो यह है उत्तराखंड। ठीक है, पिरूल से बिजली उत्पादन किसने किया? उत्तराखंड ने। भारत का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये जो है भारत का पहला है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है गुजरात में। गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, तो आपको वो याद रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स देखा करिए। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बन गए? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, ये बन गए हैं एम ए गणपति। क्या नाम है इनका? एम ए गणपति। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की? विच स्टेट हैज स्टार्टेड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? तो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ये लॉन्च किया है गुजरात ने। अगला है किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप ये शुरू किया है असम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये है नोएडा में। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? विच कंट्री विल हेड 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स के 12वें मीटिंग लीड की जाएगी किसके द्वारा? रूस के द्वारा। ब्रिक्स का आप जब स्पेलिंग देखोगे उसी हिसाब से इसकी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होती है। आर मतलब रशिया, फिर इसके बाद इंडिया आएगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, ऐसे ही चलता रहता है। किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की है? तो देखिए, किसान सम्मान योजना प्रगतिशील है तो ये हरियाणा ने। हरियाणा जो है किसानों के राइट्स को लेकर बड़ा आजकल योजना दे रहा है, कॉन्शस रह रहा है, तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना ये है हरियाणा के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर? तो फर्स्ट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रांसजेंडर ये हैं मोनिका दास। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये किताब किसने लिखी है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम लिखा है पद्मपाणि बोरा। किस देश ने टसरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है? देखिए, टसरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, तो हाइपरसोनिक है, ऊपर से टसरकॉन, इसका नाम अगर आप देखोगे इसे पढ़ेंगे सरकॉन, ये रूस ने ही लॉन्च किया है। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना किस का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो धौला सिद्ध है, धौलागिरी, माउंटेन रेंज, ये सब आप नाम सुने होंगे, ये पहाड़ी इलाके में हो सकता है, तो ये हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? किसान रथ मोबाइल ऐप असम ने शुरू किया है, ऊपर ही हमने देखा था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ, तो ये जे वेंकट रमू हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना भारत सरकार के 100% पार्टिसिपेशन से की गई है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जे वेंकट रमू, इसके एमडी एंड सीईओ हैं। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। किसने एनसीईआरटी की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो एनसीईआरटी पुस्तकों को इंडियन साइन लैंग्वेज में थावर चंद गहलोत के द्वारा घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? तो एम राजेश्वर राव किसान, ये नए डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं नीलेश शाह, प्लीज़ याद रखिएगा नीलेश शाह। उड़ीसा के किस कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के कवि हैं नित्यानंद पाठक, इन्हें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फेक बाई UGC? तो UGC के द्वारा 24 यूनिवर्सिटीज़ को फेक घोषित किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड ब्रांड एंड लोगो ऑफ इंडियन कॉटन, भारतीय कपास का ब्रांड और लोगो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है स्मृति ईरानी। ठीक है, हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 2020?
ये अमेरिकन है, लुइस ग्लक के लिए, लुइस ग्लक इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। विच कंट्री हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज, तो क्वाड कंट्रीज ये जापान ने इस बार इसको लीड किया। ध्यान रखिएगा ऊपर जो है ब्रिक्स इसको लीड करने वाला है, 12 में ब्रिक्स को रशिया, क्वाड को इस बार जापान लीड करने वाला है। हु हैज वन UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है रॉबर्ट लोवांडस्की, ठीक है, रॉबर्ट लोवांडस्की, इसे UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिए गेम्स तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी गेम्स जो भी हो रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उसे याद रखिए UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब कुछ GDP कैलकुलेशन बताए गए हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। व्हाट परसेंट ऑफ GDP विल रिमेन इन इंडिया प्रिडिक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक इन दिस रनिंग फाइनेंशियल ईयर, विश्व बैंक ने भारत की GDP चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान है 9.6%, ये लेकिन माइनस में है, ये वर्ल्ड बैंक का है इसलिए आपको याद रखना चाहिए -9.6%। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, विशर अल खसवाने, ठीक है, विशर अल खसवाने। विच स्टेट हैज स्टार्टेड यूट्यूब चैनल फॉर डिस्टावो फॉर हायर एजुकेशन, तो डिस्टावो नामक यूट्यूब चैनल किसने शुरू किया, गोवा ने शुरू किया है। अगला देखते हैं, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फीनिक्स सेटलमेंट एज नेशनल हेरिटेज, तो फीनिक्स सेटलमेंट को नेशनल हेरिटेज दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मेघालय गवर्नमेंट हैज मेड डील फॉर विथ विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द स्टेट, तो मेघालय सरकार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ। ये क्वेश्चन दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इजराइल से समझौता हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, मेघालय राजधानी है शिलोंग। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मेघालय का समझौता किससे हुआ है, तो ये भी याद रखना है इजराइल होगा। अगला, किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनिका योजना, तो ये आपको पता होगा जगन्ना नाम से जो भी योजना होगा आंध्र प्रदेश, सौर स्वरोजगार योजना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर स्वरोजगार योजना ये जो है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। कोची में कौन सा कोस्ट गार्ड का मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ, तो कोची में सागर कवच मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ। प्लीज़ वन लाइनर है, इसे इस तरीके से याद करें, PDF लें और एक दो बार रिवीजन करें, आज शाम तक या कल सुबह तक मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। और डेली करंट अफेयर्स में और भी इंपॉर्टेंट GS के फैक्ट्स और मैप मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वेस्टर्न कोलफील्ड का CMD किसे नियुक्त किया गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड, तो ये है मनोज कुमार। घर तक पेयजल पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य, मतलब जो टैप वाटर से पहुँचाने का काम था उसे गोवा ने सबसे पहले समाप्त कर लिया है, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, VVI है, प्लीज़ इसे याद कर लें। किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया, देखिए किसान के लिए एक ऊपर योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कल्याण बोर्ड जो है वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है, तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया जो कि एजुकेशन और हेल्थ इंडेक्स में टॉप पे है। चलिए, महाराष्ट्र ATS का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, जगजीत सिंह, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी। नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ये जरूरी है, नीदरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार राव। DRDO ने उड़ीसा के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, DRDO ने रुद्रम, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, क्या नाम है इसका, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। किस राज्य ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया है, वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया है किसने, उत्तराखंड ने। युद्ध सेवा मेडल पाने वाले पहले महिला कौन है, तो युद्ध सेवा पाने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत, तो एक जो है इसका नाम है शेख मसाल अल सभा, क्या नाम है, शेख मसाल अल सभा, ये क्राउन प्रिंस नए होंगे कुवैत के। कौन सा देश 2024 तक अपना पहला रोवर लॉन्च करेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं, रूस अमेरिका चीन, इसने तो लॉन्च कर ही दिया है।
तो ये एक तरीके से वेस्ट एशिया का देश है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2024 तक अपना रोवर लॉन्च करने वाला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़े ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो उत्तर प्रदेश की बात है तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में ये इनॉग्रेट किया जाएगा। किस राज्य में ई समर्पित ऑनलाइन संजीवनी ओपीडी शुरू की गई? तो ये जो है ई ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी सर्विस शुरू की गई है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है चीन ने। किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये है फिनो पेमेंट बैंक। किस राज्य ने आत्मनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है असम सरकार ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर ये योजना शुरू की है असम सरकार ने, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर यह है असम ने। किस भारतीय मूल के शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। देखिए इन्वेस्ट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसे किसने शुरू किया, तो ये है नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन मेन्स टाइटल जीता है, और इगा स्वोटेक ये फ्रेंच 2020 वीमेंस का खिताब इन्होंने जीत लिया है, इगा स्वोटेक। अगला क्वेश्चन है वृक्षारोपण शुरू करने वाला पहला राज्य, तो आपको जाहिर सी बात है ये दिल्ली होगा, ये पता भी होगा। दुनिया के सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन सा देश बना है? सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसके सम्मान में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? और ये चूँकि रिसेंट में हुआ है और बहुत दिनों से कहीं हुआ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विजय राजे सिंधिया इसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का कमेमोरेटिव कॉइन, इसे कहते हैं इंग्लिश में कमेमोरेटिव कॉइन, जारी किया गया है। chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? हु हैज़ वन chess.com चैंपियनशिप विनर? निहाल सारीन। खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक बुक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी? GBS सिद्धू। ठीक है, GBS सिद्धू। एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? हु हैज़ वन ऑफिशियल एफिल ग्रैंड प्रिक्स, सॉरी, तो यह है लुइस हैमिल्टन। पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय, इसने अपनी एंट्रेंस एग्जाम पूर्ण रूप से डिजिटली कराई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। BHU में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हुआ था। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ को मान्यता देने वाला पहला देश, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ को मान्यता देने वाला पहला देश है अर्जेंटीना। T20 मैच 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी, ऊपर हमने क्या पढ़ा था 9,000 रन T20 में किसने बनाया था? विराट कोहली ने। लेकिन 10,000 रन बना लिया है एशिया का सबसे पहला खिलाड़ी शोएब मलिक। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो ये है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में सबसे टॉप पर है इनइक्वालिटी इंडेक्स में। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य, तो ये आपको पहले से भी पता है, ये है केरल। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साई एरवा को। ठीक है, साई एरवा को। किस राज्य ने ओवरसाइट समिति का गठन किया है? तो यह है उड़ीसा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो रहे हैं, पहले आपने पढ़ा है, डेली करंट अफेयर्स देखा है, तो आपको कोई भी उलझन नहीं हो रही होगी। सांड्रा निस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? हरीश कोटेचा को। ठीक है, हरीश कोटेचा को। किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सादिर जफरोव। आपके लिए जो आज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। क्वेश्चन है मेघालय सरकार के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैंने अभी बताया है। ठीक है, जिस भी देश के साथ समझौता किया गया उसका आंसर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।